मैं गलती से मैकेनिकल वालों के पास चला गया, मैंने कहा भाई लकड़ी है, उन्हें सुनाई दिया भाई लड़की है। 60 बच्चे एक साथ बोले कि कहाँ। मैंने पता ऐसे डिसाइड करा था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, बट बहुत ज्यादा हो गया नहीं CSIT, तो मैंने कहा मैं कुछ अलग करूंगा यार, तो मैंने करी फायर इंजीनियरिंग। ये हंसने की बात थी, ये करियर है भाई मेरा, तुमने किसी ने नहीं सुना, बहुत सही है। बड़ा इसकी दिक्कत यही है कि मेजरली लोगों को नहीं पता कि फायर इंजीनियरिंग होती क्या है। जब भी मैं किसी को बताता हूँ मैं फायर इंजीनियर हूँ, उनको यही लगता है कि मेरा कट गया है, किसी ने मुझे BCOM करा दिया है फायर बोल के। मानने को ही तैयार नहीं है भाई कोई। मैं एक अंकल से बात कर रहा था तो मैंने बोला अंकल मैं ना फायर इंजीनियर हूँ, तो उन्होंने मुझे गले ही लगा लिया। कह रहे कोई बात नहीं बेटा, देश में एजुकेशन के नाम पर ठगी तो हो रही है, हमारे भतीजे को भी किसी ने IIT बोल के ITI करा दिया। कारपेंटर से, हाँ वो चारपाई बनाता उनका भतीजा, मैंने देखा बहुत टफ है यार। मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं, मेरे सबसे पुराने दोस्त, उनको भी नहीं पता मैं क्या करता हूँ, उनको लगता मैं फायर इंजीनियर हूँ तो मैं आग बुझाता हूँ, कौन सी वो नहीं पता। वो बहुत आराम जाते हैं, सिर्फ रात को 1:30 बजे शराब और आप पी के फ़ोन कर देते मुझे कि भाई तू तो फायर इंजीनियर है। मैंने कहा तेरा आग बुझा देगा। जो ये पढ़ाई करी मैंने 4 साल, यार ये लाइन सुन के सबसे ज़्यादा बुरा मुझे अपने पापा के लिए लगता है, क्योंकि उन्होंने मेरी इस पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया था मेरे पूर्वजों की ज़मीन गिरवी रख के। तो वो मेरे पूर्वज आते हैं मेरे सपने में हाथ में मोमबत्ती लेके, वो मुझे बुझा के दिखाते हैं कि बेटा ये वाली बुझानी है, वो सब नहीं करना। बहुत टफ हो गया यार समझाना, मेरे गांव वालों को भी नहीं पता मैं क्या करता हूँ, उनको लगता मैं फायर इंजीनियर हूँ, मैं आग से रिलेटेड कुछ करता हूँ। मैं गांव गया हुआ था, मेरे पड़ोस में एक डेथ हो गई दादाजी की। सुन लो यार, तो हम उन्हें शमशान लेके गए और उन्हें जैसे ही जलाने वाले थे बारिश होने लग गई और पूरा गांव पलट के मुझे देखने लग गया। 2 अंकल मेरे पास आए, मेरे कान में आके कह रहे कि दिखा दे कमाल। कमाल, जादूगर हूं मैं, क्या कमाल दिखा दूं, दादाजी की जेब से कबूतर निकाल दूं। भाई पहले तो मुझे लगा ऐसा बोलना चाहती कि जिंदा कर दे बुड्ढे को, एक वसीयत और लिखवानी है। बहुत एम्बैरसिंग होता जब तुम्हारे प्रोफेशन को लेके कोई तुम्हें जज करता, तो मैं वहां से चला गया उन्हें गाली देते हुए। बट उन्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं गाली देते गया हूं, उन्हें लगा मैं कुछ बड़बड़ाते हुए गया हूं। और उसी टाइम बारिश रुक गई भाई, वो तो फैन हो गए मेरे, मैं देख रहा हूँ सडनली वो मातम खुशी में बदल गया है, उन्होंने लाश में से फूल उठा के फेंके मुझ पे। कह रहे ये बहुत सही कोर्स है, इंद्रदेव जी आते हैं क्या सिलेबस में। मैंने कहा हाँ, 4th ईयर के बाद यमराज भी आते हैं, जब जॉब नहीं लगती ना तो भैंस में बैठा के ले जाते हैं, ये इंटर्नशिप करेगा हमारे साथ। दादाजी का पोता भाई, वो तो जो खुश हुआ है ना, उसने तो फोटो डाल दी दादाजी की फेसबुक पे, ऐसे लिख दे फाइनली दादाजी इज ऑन फायर। #LitAF भाई करा वाला। मैं अपने घर वालों को नहीं समझा पाया पता है कि हम करते क्या हैं। एक्चुअली मेरे घर के सामने वाले घर में आग लग गई थी, तो अब गांव के लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, सिर्फ बाल्टी में पानी ले लेके जा रहे हैं बुझाने। मेरे चाचा को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल कर दिया और अब वो मुझे जलता हुआ घर दिखा रहे हैं, कह रहे वो सामने वाले घर में आग लग गई, बता क्या करना चाहिए। मैंने कहा बुझाओ उसको जाके, वो पता नहीं फील्ड वील में है यार, वो लोगों को डांट रहे हैं कि ए तुम लोग शोर मत करो। देखो मैंने आशीष को फोन किया है, वो बता देगा कैसी बुझानी है। लोग और बेवकूफ, बाल्टी का पानी फेंक के बाल्टी उल्टी रख के वहीं बैठ गए। मैं देख रहा हूँ चाचा के फोन के पीछे 15 लोग और बैठे हैं और वो मुझे देख रहे हैं कि यहां से मैं कोई मंत्र बोलूंगा और आग बुझ जाएगी। आग तो नहीं बुझी, बगल वाले घर में और लग गई। मेरे चाचा को बहुत पेला गांव वालों ने, वो भाई जो लुटा लुटा के मारा उस दिन। हम मैं 1.5 साल घर नहीं गया डर के मारे, मेरा बॉस परेशान था, कह रहा तू घर क्यों नहीं जा रहा,
तेरा परिवार नहीं गया। मैंने कहा वो बाढ़ में बह गया। मुझे नहीं पिटना यार घर जाके। मेरा कॉलेज बहुत सही था, पता है तुम लोग जब कॉलेज जाते हो फर्स्ट डे तो पता है ओरिएंटेशन इंडक्शन ऐसे होता है, टीचर आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं फर्स्ट डे था मेरा कॉलेज में, सर आ गए और कह रहे हैं कि देखो बेटा अब तुम फायर इंजीनियर बनने वाले हो। अब मैंने कहा सर परसों एडमिशन लिया मैंने, मेरे पापा मुझे कॉलेज छोड़ने आए थे, वापस गाँव नहीं पहुँचे वो। हाँ यार फर्स्ट डे मुझे कॉलेज का नाम नहीं पता था। हम जितने दोस्त आ रहे थे ना सिटी बस से, कंडक्टर ने पूछा कौन सा कॉलेज उतरना है, हमने यूनिफॉर्म दिखा दी अपनी, हमने कहा जहाँ के बच्चों से मैच करे उतार देना। उसने लेबर चौक उतार दिया, कह रहा वो देखो तुम्हारे सीनियर्स खड़े हैं लाइन में लग जाओ उनके साथ, कोई ले जाएगा दिहाड़ी पे तुम्हें। कुछ भी आके बोल रहे हैं ऐसे, कह रहे हैं देखो जब तुम फायर इंजीनियर बन जाओगे अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाओगे तुम्हें ध्यान रखना है कि कहीं आग ना लगे, तुम्हें ऐसे लोगों को ऐसे काम करने से रोकना है जिससे आग लग सकती है। हम सबकी जेब में लाइटर था। हाँ भाई, अरे एक लड़के के बैग में तो पेट्रोल था, वो बैग जो बॉटल में लेके आता था कि जितनी बाइक चलानी उतना ही डाल दो। नोएडा का था भाई वो, गुजर था वो। हाँ मैं पता कैसे पता चला, वो कोई भी खाली जमीन देखता था ना उसके मुंह से यही निकलता, भाई इनको ना मिलवा है मुआवजा। मैं कहा भाई प्ले ग्राउंड है वो, उसका नहीं मिलता मुआवजा, वो फुल अटेंशन सीकर, तुम क्लास में कुछ भी चल रहा हो उसको आंसर जरूर देना है। तो सर एक दिन आगे क्लास में पूछ रहे हैं कि बिफोर एक्सटिंग्विशिंग द फायर यू शुड नो व्हाट इज फायर। लास्ट रूम में बैठा था, पीछे से खड़ा हुआ, जेब से लाइटर निकाला, कह रहा सर दिस इज फायर। सर कह रहे ठीक है तुझसे ये नहीं पूछा व्हाट इज स्मोक, तू मेरी छाती पे हुक्का जला देता। फर्स्ट ईयर की बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्लास में एक स्विच बोर्ड था साइड में, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। तो सबसे पहले तो फायर इंजीनियर्स भागे वहां से, हमें इंडस्ट्रीज फायर बुझानी थी, वो आग देख के हमारी फटी पड़ी है, हम कॉरिडोर में दौड़ रहे हैं। लास्ट में जो क्लास से लड़का निकला उसे आग बुझाने का सबसे सही तरीका पता है क्या लगा, उसने बोर्ड की तरफ ऐसे किया कि अब वो बाहर आए तो आधी मूछे जली हुई है, आधी दाढ़ी जली हुई है। एक तो हम पता है फोर्थ फ्लोर में हमारी क्लास थी, तो जैसे हम दौड़ रहे हैं कॉरिडोर में, और हम सिर्फ दौड़ नहीं रहे हैं हम चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, तो बाकी फ्लोर के बच्चों को लग रहा है कि सांप निकला है इनकी क्लास में। एक बच्चा थर्ड फ्लोर से आया और फोन में बीन बजा दी, बहुत ही गधे भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरे से कह रहा भाई कहाँ है सांप। मैंने तो अपनी दोस्त की तरफ इशारा कर दिया, मैंने कहा भाई वो रहा, कह रहा भाई ये तो लड़का है, मैंने कहा इच्छाधारी है, जेब में हाथ डाल मणि मिलेगी तुझे। मेरा नोएडा वाला दोस्त गया, उसने पता नहीं क्या दिमाग सोचा, उसने किसी की पानी की बॉटल उठाई, ढक्कन खोला, मतलब स्विच बोर्ड पर डाल दिया, ओ भाई वो चिपक गया, ओ बहुत ही गंदा चिपका, तुम समझ रहे हो वो चिपक के, और हमें लग रहा बुला रहा है, तो मना करेंगे हम नहीं आ रहे भाई, तू अकेला चिपक, वो लगा हुआ है, हम बाहर से मना कर रहे हैं। वो नीचे गिर गया करंट खा के। अब देखो हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक फायर कैसे बुझाते, बट हमें ये पता था कि अगर किसी को करंट लग जाए तो उसे छूते नहीं है, तब वो अकेला तड़प रहा है, उसे कोई हाथ ही नहीं लगा रहा है। और जब मैंने देखा उसको करंट लगा ना, दो लौंडे थे वो क्लास में सीसीटीवी कैमरा उसके नीचे खड़े हो गए, और भाई बाल बाल सेट कर रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो, कह रहा हम वायरल हो रहे हैं। मैंने कहा लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है क्या, कह रहा नहीं भाई हमने इंटरनेट में बहुत वीडियोज देखे हैं, जो लड़का करंट लगने से मरता है उसकी वीडियो में मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं, इन्होंने उसे मरा हुआ कंसीडर कर लिया है, इनका है कि इसकी आत्मा गई यमराज के साथ इंटर्नशिप करने, हमारा क्या फायदा है। इतने में मैंने देखा सर आ गए क्लास में, सर ने देखा पानी पड़ा हुआ उस पर, एक लड़का पड़ा हुआ, तो सर ने पूछा क्या हो गया इसे, हमने बताया सर इसे शौक लग गया है, सर ने बहुत ही घटिया सवाल पूछा था क्योंकि वो भी हमारे कॉलेज से पास आउट थे, तो उन्होंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, कह रहे इसे कैसा शौक लग गया है। अब बच्ची मजे लेने के मूड में, बच्चे कह रहे सर इसे ना मछली बनने का शौक लग गया है, ये जमीन पे पानी देखता लोट जाता है उसको, अपना नाम जलपरी बता रहा है।
बंगालियों से बहुत फटती है इसकी। कल चार बंगाली देखे थे, खुद ही कह रहा था मच्छी बात नहीं खा वो। मैंने बताया सर इसे ना इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। तो सर ने बोला इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, पानी में क्यों पड़ा हुआ है, इसको साइड में करो। एक काम करना, हाथ नहीं लगाना, कोई नॉन कंडक्टर चीज ले आओ। एक भाग के गया, चौक ले आया, दूसरा डस्टर ले आया। सर कह रहे इसकी पीठ पे किरचॉफ लो लिख दूं मैं। साले लकड़ी लेके आओ। लकड़ी का नाम सुनते ही क्लास के पीछे दो बच्चे थे, वो टेबल तोड़ने लग गए। भाई वो पता नहीं नशे में है, भंड है, कह रहे सर इससे बड़ी लकड़ी नहीं मिलेगी। तुम दोनों टेबल उठा के दे मारी अपने ही पैर पे, तो एक करंट खा के पड़ा, दो लंगड़े हो गए हैं। क्लास में कैजुअलिटी बढ़ती जा रही है। एक दो का सर और फट जाता, साउथ इंडियन मूवी का सीन लगता कि अभी हीरो पेल के गया किसी को। सर ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मैं कहाँ से लकड़ी लूँ, कह रहा कहीं से ला। अब तुम देखो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर का बच्चा लकड़ी ढूंढ रहा हूँ, मैं गधों के जैसे क्लास क्लास में जाके पूछ रहा हूँ। मैं गलती से मैकेनिकल वालों के पास चला गया, मैंने कहा भाई लकड़ी है, उन्हें सुनाई दिया भाई लड़की है। 60 बच्चे एक साथ बोले कि कहाँ। मैंने कहा तुम्हारी क्लास में, भाई आगे के दो के तो आंसू आ गए, कह रहे भैया एक भी नहीं है। क्लास छोड़ो हमारी तो कुंडली में लड़की नहीं है, हम खुद देखने आईटी डिपार्टमेंट जाते हैं, आपकी क्लास में हो तो ले चलो। मैंने कहा लड़की तो नहीं है फिलहाल, एक जलपरी है, देखना है तो चलो। मैं भाग के गया पता लैब, मुझे लकड़ी तो नहीं मिली, स्केल मिल गई लकड़ी वाली, देखी हो बड़ी सी स्केल नहीं आती। तो अब तुम देखो 70 किलो का लड़का है और मैं उसे स्केल लगा के घसीट रहा हूँ। मैंने दिमाग लगाया थोड़ा, मैंने उसके नीचे स्केल लगाई पूरी और ऊपर उठाया, वो टूट गई। तो अब मेरे हाथ में 6 इंच की स्केल बची है, क्या करूँ इसका मैं। मैंने एक लौंडे को बुलाया, मैंने कहा मैकेनिकल वालों को दिया, उस नापने के काम आएगी उनके, हमारी कुछ काम की नहीं है। इतने में ना पीछे से एक लौंडा आ गया और सर को कह रहा है कि सर इसकी ना हार्ट बीट रुक गई है। तो सर ने कहा फिर, कह रहा फिर कुछ नहीं, इसे CPR देना पड़ेगा। CPR पता है तुम्हें, उसे छाती पे हाथ रख के दबाते हैं। तो सर ने बोले ठीक है दे दे CPR, कह रहा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसे। तो सर ने कहा फिर, तो इसने उसकी छाती पे जूता रख दिया भाई सच में, और एक तो इसने पहना भी वुडलैंड था। इसने दो लौंडे और बुला लिए पीछे से, वो अपनी लेस वेस बांधने लग गए। मैंने कहा भाई समतल करोगे क्या उसको, कह रहा नहीं ये दोनों मेरे सपोर्ट के लिए। इसने दोनों के कंधे पे हाथ रखा, ऐसे छाती पे जूता रखा, दो बार दबाया भाई पट की आवाज आई। वो आवाज सुन के सबसे पहले तो वो कैमरे वाले लौंडे खुश हुए, उन्होंने ताली मारी एक दूसरे को, कह रहे टारगेट अचीव। और ये जो CPR देखे पीछे मुड़ा था, ये फुल कॉन्फिडेंस में सर की तरफ मुड़ा, सर को कह रहा सर देखा धड़कने लग गया ना दिल। सर कह रहे दिल नहीं धड़कने लग गया, भूतनी के हड्डी तोड़ दी तूने, अब इसकी थोड़ी सी फटी, बट भाई इसने हार नहीं मानी। इसने पीछे से अपने दोस्त को बुलाया, कह रहा भाई तेरे दादाजी वैद्य है ना। हमने कहा भाई अब और मजा आने वाला है। वो कह रहा हाँ हाँ मेरे दादाजी वैद्य हैं, क्या हुआ। कह रहा भाई तुझे हड्डी जोड़नी आती है। वो चूतिया भी कह रहा हाँ हाँ आती है, तुम दोनों साइड से उठाना मैं हड्डी अलाइन करूंगा दबा देना। ये प्रोसेस सुन के जो लौंडा लेटा था ना वो उठ के बैठ गया, कह रहा भाई तलवार लाओ पोस्टमार्टम कर दो मेरे। भाई मेरे बाप को फोन लगा दो, मैं नाम कटवा लूंगा अपना। भाई वो रोने लिटरली रोने लग गया, कह रहा कोई मुझे मेरा फोन दे दो मैं खुद एम्बुलेंस को फोन कर लूंगा। हमने कहा हमारे पास नहीं है तेरा फोन, कह रहा भाई रोहित के पास है। हमने कहा रोहित कहाँ है, रोहित CCTV के नीचे उदास खड़ा हुआ था, कह रहा मिशन फेल्ड। थैंक यू सो मच गाइज पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो, अच्छा लगेगा मुझे।
एक और चीज, मैं ना कुछ सिटीज में अपने सोलो शो के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर आप उन सिटीज में रहते हो डिटेल आपको यही मिल जाएगी, तो आप मेरा शो देखने आ सकते हो, टिकट्स बुक माई शो में है, और लाइव आओ यार, मिलते हैं सबसे, मजा आएगा। बात बात करनी कुछ तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो मुझे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।